बहुत ही खुशगवार आवाज खुदा से मुखातिब है। इसमें कितनी सादगी, सच्चाई और दिलकशी है। मचलती तड़पती लहरों की तरह इस आवाज में भी संगीत और सुरों के जादू भरे समंदर मौजे मारा करते हैं। कुदरत की लामहदूद खुली फजाओं में, रंगीन नजारों में, पहाड़ों में, वादियों में, मैदानों में ये दिलकश आवाज दुनिया के हर कोने में जगह जगह बिखरी हुई है। वक्त के साथ साथ रफी साहब कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करते रहे और इस तरह रफ्ता रफ्ता उन्होंने हिंदुस्तान के अजीम गुलकारों में अपना मकाम पैदा किया। खास तौर से फिल्मी संगीत को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीनत बख्शी और हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के दिलों को अपनी जादू भरी आवाज से मोह लिया। लेकर ये हंसी जलवे तुम भी कहां पहुंचे। गानों के जरिए रफी साहब का मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से मुखातिब करने का अपना अलग तरीका है, मगर अपने करीबी अजीजों, दोस्तों और फिल्मी साथियों से मुखातिब होने का उनका अपना अनोखा तरीका है, अनोखा अंदाज है। क्या आप जानते हैं? नहीं तो देखिए। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है। हर एक इंसान के दिल में रफी साहब के लिए बेहद इज्जत और अकीदत है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी उनके मद्दा हैं। वो अपनी अकीदत का इजहार कुछ इस तरह करते हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे। गानों के जरिए तफरी और खुशी मुहैया करने के दायरे में ही नहीं बल्कि पद्मश्री रफी साहब तो समाजी एतबार से भी मुल्क की एक अहम हस्ती हैं। अपने कैरियर के शुरुआत से ही रफी साहब कौमी जरूरतों और मामलों में अपने तरीके से जो भी बन पड़ा करते रहे हैं। कुदरत के जुल्मों का शिकार होने वाले मासूम, तबाहाल और परेशान लोगों की मदद के लिए वो हमेशा अहम और दिलचस्प प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहे हैं। इसी वजह से वो अवामों के दिलों में ही नहीं बल्कि मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियतों में भी मकबूल रहे हैं। पंडित नेहरू उनकी बेहद कदर करते थे। पंडित जी के इंतकाल के बाद रफी साहब ने उनसे मुतालिक एक गाना मेरी आवाज सुनो गाया था। ये गाना पंडित जी के एहसासात और ख्यालात की बिल्कुल सही सही तर्जुमानी करता है। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई। हमारे मुल्क के जवान जो के सरहदों पर डटे रहते हैं वो भी रफी साहब के दिलदादा हैं। रफी साहब वारहाम से मिलने उनको बढ़ावा देने के लिए गए हैं। उन्होंने दूर दराज दुश्वार गुजार जगह पर जाकर न सिर्फ जवानों को खुश किया बल्कि उन्हें बहुत बड़ा और गहरा पैगाम भी दिया है जो कि उन्हीं के लिए ही नहीं बल्कि सारी कौम के जवानों के लिए भी है। वतन फिदा हमें वतन से नौजवान शहीद हो। जय देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का।
बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना।